हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्टकट की जो कि शायद आपको जानकारी ना हो इस बात की, इस शॉर्टकट की तो वो शॉर्टकट की हम सीखेंगे। और वो शॉर्टकट की है क्या, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ, इधर की तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर गूगल शीट में जेड तक ही दिया हुआ है। इसके बाद जो है कॉलम्स आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो कॉलम्स नहीं दिखाई पड़ेंगे तो हमें कॉलम चाहिए अगर, तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से राइट में एक कॉलम इंसर्ट करवा लीजिए। तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है, इसे मैं नंबर दे देता हूँ लाइक 26। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 26, तो ये 26 नंबर हो गया यहाँ पर। अब फिर जरूरत पड़ी तो फिर यहां से जाइए, फिर यहां से इंसर्ट करवाइए, तो यहां पर मैं नंबर दे देता हूं 27। तो इस तरह से कितनी बार हम करेंगे, क्या कोई शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम ये कर सकें? तो जी हाँ, बिल्कुल एक शॉर्टकट की ऐसी है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको प्रेस करना है अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन। जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो यहां पर नीचे आ जाएगा इंसर्ट टू कॉलम्स। तो हमें दो कॉलम इंसर्ट कराने हैं क्योंकि हमने दो ही सेलेक्ट किया है, तो यहां पे दो कॉलम इंसर्ट कराने हैं। तो बीच में इसके दो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पर दो कॉलम एक बार में इंसर्ट हो गया, तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं 26, फिर यहां पर कर देता हूं 27, फिर यहां पर कर देता हूं 28 और फिर यहां पे कर देता हूं 29। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, एक साथ दो कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया और इन चारों को सेलेक्ट करने के बाद प्रेस किया अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, तो यहां पर ये फोर कॉलम इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर हमने फोर कॉलम इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब यहां पर कर देता हूं 26, 27, 28, 29 और फिर यहां पे कर देता हूं 30, फिर यहां 31, फिर 32। इसी तरह से करके हम कॉलम बहुत ही आसानी के साथ इंसर्ट करा सकते हैं। 33 कर दिया। अब मान लीजिए इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देख सकते हैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया मैंने और फिर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करता हूं, तो ये कह रहा है इंसर्ट 8 कॉलम्स। तो एक बार में 8 कॉलम, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना कॉलम इंसर्ट होता चला जाएगा। तो देखिए एक बार में 8 कॉलम इंसर्ट हो गए, काउंट करिए, एक यहां पे मैं लिखता जाता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो कुल मिला के 8 कॉलम एक ही बार में इंसर्ट हो गए। इसी तरह से आप कॉलम्स इंसर्ट करा सकते हैं चाहे तो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रो की। तो यहां पर देख सकते हैं ये पहली रो है 1 और ये दूसरी रो है 2। इसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं मैं यहां से। अब ये देखिए ये दूसरी रो को एक अलग कलर मैंने प्रोवाइड कर दिया है और इस पर बॉर्डर भी लगा देता हूं लाइक इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये दूसरी रो है। तो इन दोनों के बीच में क्या हम दो रो लेके आ सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो इन दोनों को सिलेक्शन में लीजिए और मेरे साथ बोलिए अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन। आपको न्यूमेरिक प्लस बटन नहीं प्रेस करना है, आपको अल्फाबेटिक प्लस बटन प्रेस करना है। और यहां पर इंसर्ट कॉलम है, इंसर्ट टू रोज है, तो हमें दो रो इंसर्ट कराने हैं। तो ऊपर देख सकते हैं यहां पे दो रो इंसर्ट हो चुका है। अगर हम इन चार रोज को सेलेक्ट करें और फिर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि चार रोज इंसर्ट कराने की बात हो रही है। तो यहां पे एक साथ चार रोज इंसर्ट हो जाएंगे। ये बहुत आसान है और ये शॉर्टकट की आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप गूगल शीट यूज करते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।